हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। प्रचंड गर्मी के बाद अब एक बार फिर से झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को भिगा दिया है। बारिश वैसे तो कल शाम से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आधी रात के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश ने पूरे मौसम की रंगत बदल दी। मई के महीने में बारिश का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब जून की शुरुआत भी बारिश के साथ हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी मंगलवार और बुधवार को पूरे दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश भी होगी। अब तक हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आज दिन में यह और तेज हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि जून महीने में यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदला है। तो आपको बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में देर रात जबरदस्त बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम काफी बदल गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन यानी कि बुधवार तक बताया जा रहा है कि मौसम ऐसा ही रहेगा, तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर भारत के दूसरे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी बारिश के साथ ओले पड़े हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कनॉट प्लेस की और इंडिया गेट की है, जहां देर रात तेज बारिश हुई और बारिश होने के बाद मौसम काफी बदल गया है। उत्तर भारत से नॉर्थ ईस्ट तक मौसम का रुख बदला है। पंजाब के अमृतसर में सोमवार को दिन में ही अंधेरा छा गया, उसके बाद कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। उधमपुर में कई जगहों पर ओले भी पड़े हैं। वहीं शिमला में भी भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते पेड़ उखड़ गए। पेड़ों की वजह से रास्ते बंद तक हो गए। और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह से NH 415 को काफी नुकसान पहुंचा है। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि पूरे उत्तर समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मौसम किस तरह से बदला है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।